हेलो स्टूडेंट uh, जैसा कि आपको पता है कि 27 मई 2020 को एक इससे कंपटीशन हो रहा है निबंध की प्रतिस्पर्धा है और इसका टॉपिक है कोविड 19 से बचाव के उपाय और इससे जुड़ा हुआ क्या क्या नॉर्म्स है प्रतिमान है थोड़ा हम उसको उस पर बात करेंगे तो सबसे पहला जो कन्फ्यूज़न है स्टूडेंट में पहला पॉइंट कि ये हिंदी में होगा या इंग्लिश में ये बाई है आप हिंदी में लिखें अथवा इंग्लिश में लिखें ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है और दूसरा पॉइंट विद्यार्थियों का ये कहना है कि कॉपी में लिख के फ़ोटो खींच करके भेज देंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है सिर्फ और सिर्फ आपको अपने मोबाइल के की से ही लिखना है और मैं आपको बताऊं दो सोशल साइट्स है एक तो व्हाट्सएप पे आप लिख करके भेजेंगे इससे या यूट्यूब में जा कर के यूट्यूब में एक चैनल है उसका नाम है क्विज गुरु डॉक्टर अफरोज़ इकबाल या एक चैनल है उसका नाम है कैरियर गाइड डॉक्टर अफरोज़ इकबाल इन दोनों चैनल में से किसी भी एक चैनल में जा कर के क्विज गुरु डॉक्टर अफरोज इकबाल या कैरियर गाइड डॉक्टर अफरोज इकबाल इन दोनों में से किसी भी चैनल में जा कर के कॉमेंट बॉक्स में आप अपने ऐसे को लिख सकते हैं तो आपके पास दो प्लेटफॉर्म है एक यूट्यूब में आप लिख सकते हैं और डायरेक्ट व्हाट्सएप में जिस ग्रुप में आपको डाला गया है उस ग्रुप में आप पोस्ट कर सकते हैं और तीसरा पॉइंट के दस बजे से ये इससे निबंध प्रतियोगिता हो शुरू होगी सुबह के दस बजे से शुरू होगी और इसको आधा घंटा का समय है दस तीस तक आपको पोस्ट कर देना है और नेक्स्ट बिंदु है कि 200 शब्दों से अधिक में नहीं लिखना है आपको 200 शब्दों से अधिक नहीं लिखना है और इसके मार्क्स जो हैं इसके अंक 50 अंक के हैं ये इन्हीं बंद प्रतियोगिता अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये 200 शब्द का मतलब कई विद्यार्थी नहीं समझते हैं जैसे हम बोलते आपका नाम क्या है तो आप एक शब्द हो गया का एक शब्द हो गया नाम एक शब्द हो गया क्या एक शब्द हो गया है एक शब्द हो गया यानी आपका नाम क्या है इसमें पांच शब्द है। आपका नाम क्या है इसमें पांच शब्द है इसी तरह से आप अंदाज़ा कीजिए एक लाइन में करीब करीब दस पंद्रह शब्द आते हैं तो आपको दस दस बारह लाइन आपको लिखनी है जो दो सौ दो लेकिन आपका आंसर दो सौ शब्दों से एक्सीड नहीं करना चाहिए पचास अंक के मार्क्स हैं अगर आप दो सौ शब्दों से अधिक लिखेंगे तो नंबर कट जाएंगे पांच नंबर आपके कटेंगे तो इस बात का ख्याल रखें हाँ इसमें एक अहम अहम बात ये है विद्यार्थी ये जानना चाहते हैं इसमें यह है कि राज्य स्तर पे ये निबंध हो रहा है इसमें राज्य में, राज में प्रथम स्थान द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान का चयन किया जाएगा और साथ ही साथ हर प्रत्येक कॉलेज से एक प्रथम एक द्वितीय और तीसरी स्थान प्राप्त विद्यार्थी होंगे और पूरे राज्य से 50 विद्यार्थियों को जो सबसे अच्छे नंबर लाएंगे उन 50 विद्यार्थियों को प्रशंसा प्रमाणपत्र भी प्राप्त होगा तो आप लोग इसकी तैयारी करें और इसमें एक और ख़ास बात यह है कि आपने आप गौर से उसको देखेंगे जो आपको आपको इन्फॉर्मेशन आया है सूचना निबंध के बारे में उसमें है कि आपको पाँच पॉइंट जो कोविड नाइन्टीन से बचाव से रिलेटेड है वो कन्नड़ भाषा में देने की कोशिश करेंगे कन्नड़ भाषा में आप कैसे देंगे आपको आसानी से मिल जाएगा इंटरनेट पे जैसे हाथ धोना है जैसे आपको मास्क लगाना है जैसे आपको दूरी बरतना है तो इन सब का दूरी बरतने का कन्नड़ क्या है हाथ धोने का क्या है मास्क लगाने का क्या है घर से बाहर कम निकलना है ये पाँच पॉइंट भी आप कन्नड़ में भी लिखेंगे कन्नड़ का इसलिए इसमें किया गया है कि उत्तराखंड राज्य को एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के माध्यम से कर्नाटक राज्य से जोड़ा गया है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ में आ गई होगी सताईस तारीख को सताईस पाँच 2020 को क्विज प्रतियोगिता 10 बजे शुरू होगी जो साढ़े दस तक चलेगी और उसके बाद आपको कोई सूचना 27 तारीख को आपको कोई सूचना नहीं मिलेगी आपको जो भी सूचना